आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। गोपीगंज भदोही नगर के स्टेशन रोड स्थित कॉलोनी निवासी डॉक्टर श्यामधर बिंद के सुपुत्र शुभम बिंद ने अंतर्राष्ट्रीय फोस्टेक चैलेंज चैंपियनशिप भारत 2022-23 प्रतियोगिता में भारत की मेजबानी करते हुए इन्फिनिटी एक्स द्वारा आयोजित श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे भारत में आयोजित की थी। गौरतलब है कि फोस्टेक चैलेंज ये एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संस्थान है जो प्रतिवर्ष रोबोटिक जगत में होनहार ग्रेड 8-12 साल के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया। पूर्ण रूप से रोबोटिक का डिजाइन, उसका निर्माण, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी देखरेख, साथ ही रखरखाव करके अनेकों टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करवाती है। इस रोबोटिक्स प्रतियोगिता में देश विदेश से शामिल हुए प्रतियोगी विद्यार्थियों ने अपने हुनर को दिखाया और प्रतिस्पर्धा करते हैं। रोबोटिक क्षेत्र में अपनी नवीनतम पहचान बनाने वाले क्यूरियस सिटी टीम का नेतृत्व करते हुए शुभम बिंद ने अपनी टीम के साथ बेजोड़, बेमिसाल, शानदार हाईटेक टेक्नोलॉजी, कम लागत में रोबोट बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम स्थान ग्रहण करते हुए स्वर्ण पदक जीत हासिल की। शुभम बिंद ने एक नई सोच और हाईटेक टेक्नोलॉजी और मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, परिवार, समाज और देश का नाम रोशन किया। शुभम बिंद महाराष्ट्र में रहकर अपने पिता के साथ पढ़ाई करते हैं। उनके पिता पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। मां उर्मिला देवी जनपद के गोपीगंज नगर के मेवड़ापुर स्थित प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक की पोस्ट पर कार्यरत हैं। जनपद का नाम रोशन करने वाले बेटे की कामयाबी पर उन्हें गर्व है। गोपीगंज भदोही से समीर वर्मा की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।